हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड हिंदी ग्रामर में चैप्टर थर्ड जिसका नेम है मात्राएं, उसके बारे में समझेंगे। बच्चों ऊपर दिए गए चित्रों को देखो। जैसे कि आप ऊपर बने हुए चित्रों को देख रहे हो, उनके नीचे लिखे शब्दों में कुछ रंगीन चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, रंगीन चिन्ह जो है वो बने हुए हैं। रंगीन कौन से हैं? जैसे कि क पे जो है ये रंगीन चिन्ह बना हुआ है, ये सब आप देख रहे हैं, सारे चित्रों पे बना हुआ है। ये रंगीन चिन्ह ही स्वरों की मात्राएं हैं। ये सब क्या है? मात्राएं हैं। व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर उनकी मात्राएं लगाते हैं। अगर ये मात्राएं न होती तो इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाता। जैसे कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम में अगर ये हम स्वर की मात्रा न लगा दें तो क्या कैसे लिखा जाएगा? आइस क्र ईम भ आ ल उ स ए ब त ओ त आ क ई त आ ब, यानी कि ये शब्द जो है इस तरह से लिखे जाएंगे। और इनके ऊपर अगर मात्राएं लग जाती हैं तो ये वर्ड जो है चेंज हो जाते हैं। आइस क्र ईम का क्या बन जाएगा? आइसक्रीम। भ आ ल उ का हो जाएगा भालू। स ए ब का बनेगा सेब। त ओ त आ का हो जाएगा तोता। क ई त आपका होगा किताब। इसलिए इनके साथ मात्राएं लगना बहुत ज़रूरी है। इन्हें पढ़कर आपको खुद हंसी आएगी कि यह सब पढ़ने में कितने अटपटे लग रहे हैं। इसलिए स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप जो है बदल जाता है, और यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। अब देखो इनकी आती है स्वरों की मात्राएं। यहाँ स्वर दिया है, मात्रा दी हुई है, व्यंजन और प्लस मात्रा दी हुई है, फिर मात्रा के साथ में वर्ड दिए हुए हैं, फिर हमारा शब्द बना और शब्द से बना वाक्य। स्वर है जैसे कि अ, अ की बच्चों कोई मात्रा नहीं होती है। अब हमने व्यंजन लिया, व्यंजन के साथ में हमने अ, आ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए हमने अ लिख दिया। तो इससे हमारा वर्ड अगर बनता है तो क्या बनेगा? माँ ही रहेगा। और ये शब्द बना तो क्या हुआ? मन। और इस मन से पूरा वाक्य बनता है, मन खुश है। ऐसे ही आ गया नेक्स्ट आ। आ की मात्रा क्या होती है? जैसे कि आप देख रहे हो, हमने व्यंजन लिया ख और इसके साथ में अ की मात्रा लगाई तो ये क्या हो गया? खा। खा से शब्द बना खाना और वाक्य बना राधा खाना खा। नेक्स्ट है ई। ई की मात्रा आपने देखी किस तरह से बनी हुई है? हमने व्यंजन त लेके उसके साथ में ई की मात्रा लगाई तो ये वर्ड शब्द हमारा हुआ ती। ती से हमारा फिर बना तितली और तितली से वाक्य बना तितली उड़ रही है। ऐसे ही है नेक्स्ट ई, बड़ी ई। पहले था छोटी ई, अब है बड़ी ई। बड़ी की मात्रा कैसे लगती है? इस तरफ से लगती है। इसमें हमने व्यंजन च लेके जब बड़ी की मात्रा लगाई तो ये हमारा हुआ ची। ची से शब्द बना चीनी और ये वाक्य बन के तैयार हुआ चाय में चीनी कम है। अब आता है ऊ। ऊ की मात्रा देखिए आप कैसे लगती है। जब हमने व्यंजन क लिया, क के साथ में ऊ की मात्रा लगी तो ये कहलाया कु। कु से शब्द बना कुछ और कुछ से वाक्य बना आपको कुछ नहीं पता। नेक्स्ट आता है ऊ। पहले छोटा ऊ था, अब आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ छोटे ऊ में ऊपर जाती है, बड़े ऊ में नीचे आती है। हमने व्यंजन लिया च, च में हमने बड़ी ऊ की मात्रा लगाई तो ये बना चू। चू से शब्द बना चूहा, वाक्य बना चूहा भाग रहा है। नेक्स्ट है ऋषि। ऋषि की बच्चों कैसे होती है मात्रा, ये देखिए आप। इसमें हमने व्यंजन व लिया और व पे ऋषि की मात्रा लगाई तो ब्र हुआ। ब्र से बना वृक्ष और वृक्ष से वाक्य बना वृक्ष हरा भरा है। नेक्स्ट है ए। एम की मात्रा है, ये देखिए क्या है, सिर्फ एक बनी हुई है। इसमें व्यंजन हमने र लिया और ए की मात्रा लगाई तो ये बन गया रे। रे से शब्द बना रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से वाक्य बना रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। अब आता है बड़ी ए। छोटी ए में एक लगती थी, यहाँ बड़ी ए में दो लगेंगी। इसी तरह से हमने व्यंजन स लिया, स के साथ में बड़ी ए की मात्रा यानी कि दो मात्राएं बनाई तो उसके से क्या बना? सै। सै से शब्द बना सैनिक और वाक्य हुआ सैनिक खड़ा है। नेक्स्ट आता है ओ। ओ की ये मात्रा क्या है? ये है, इस पर एक डंडा लग के तब एक मात्रा है। व्यंजन लिया ट, ट पे ओ की मात्रा लगाई तो ये क्या हुआ? टो। टो से शब्द बना टोकरी और वाक्य बना टोकरी में फल है। अब आता है बड़ा ओ। छोटे ओ में एक मात्रा थी, इसी तरह से बड़े ओ में दो मात्रा है। व्यंजन हमने क लेके उस बड़े ओ की मात्रा लगाई तो ये शब्द बना कौ। कौ से हुआ शब्द कौआ और वाक्य बनता है कौआ काला है। अब आता है बच्चों देखो,
सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग अलग है। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है तो कुछ नीचे लगती है, यानी कि मात्राएं आप देख भी रहे हो, कुछ ऊपर लगती है और कुछ नीचे की तरफ लगाई जाती है। कुछ व्यंजन के आगे लगती है तो कुछ उनके पीछे लगती है। र के साथ में उ या बड़ी उ की मात्रा उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे न लग के कहाँ लगती है, र के पेट में लगती है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है र, र पे हमने ये कहाँ लगाई, या बीच में, यानी कि पेट में लगी, तो इससे बना रुपया और रुई। इसी तरह से ये हो गई हमारी छोटा उ। अब ये बड़ी उ की इस तरह से बनती है जो कि नीचे को निकलती हुई, रूप अमरूद। अब आता है इसी तरह से ऋषि की मात्रा। ऋषि की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है, यानी कि पैर पे लगती है। जैसे कि क, क के नीचे लगाया हमने तो शब्द बना कृपा और कृष्ण। अब आता है अ, स्वर की मात्रा नहीं होती ना, क्लियर जी। अब आता है इसके बाद शब्द। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन किसी भी वर्ड को किसी भी वर्णों से मिला देने से शब्द नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पे हमने वर्ड लिए म, र, ग और इन सब को मिलाया तो क्या बन गया, म, र, ग। ऐसे लिया हमने ता, के, ब, तो ये क्या बन गया, ता, के, ब। देखो, मरग या ताकीब कोई शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये शब्द हमने जो बनाया इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन यदि हम इनकी वर्णों को सही क्रम में सही से शब्द कहलाए लिखेंगे तो ये शब्द सही कहलाएंगे। जैसे कि म, ग, र, हमने क्या बनाया इनको, म, ग, र तीनों का यूज़ किया तो मगर बना, और मगर शब्द होता है, इसका अर्थ भी होता है। ऐसे नेक्स्ट के ताब, तो ये क्या बन गया, किताब। यानी कि वर्डों को सही क्रम में लिखना भी बहुत ज़रूरी है, वही शब्द कहलाते हैं। क्योंकि हम मगर कहने से एक जानवर और किताब कहने से एक वस्तु की कल्पना कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके आगे समझेंगे कि व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। व्यंजन के साथ स्वर न लगाकर उनकी मात्राएं लगाते हैं। व्यंजन के साथ स्वर नहीं लगते, उनकी मात्राएं लगती है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। वर्णों के सभी मेल से शब्द बनते हैं। जो वर्णों को मिलाते हैं आपस में उन सब से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब इसके आते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा किसे कहते हैं। आंसर है, व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप या चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शब्द किनसे बनते हैं। आंसर है बच्चों, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। बच्चों, अब इसके बुक वर्क को समझेंगे। यहाँ पे फर्स्ट दिया है, यहाँ कुछ व्यंजनों के साथ स्वर लिखे गए हैं, आप स्वर की जगह उनकी मात्रा लगाकर व्यंजन लिखिए। देखिए, यहाँ पे कुछ व्यंजन दिए हुए हैं, स्वर भी दिए हुए हैं। क, क के साथ में ऋषि, तो इसकी मात्रा लगेगी तो क्या हुआ, क्र। ऐसी प, प पे जब हमने ए, ए की मात्रा लगाई, ए हुआ हमारा स्वर, स्वर की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, ये प, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ए बनी हुई है इसलिए हमने यहाँ दो मात्राएं लगाई। ख, ख के साथ में है ई, यानी कि हमें छोटी की मात्रा लगानी है ख पे, तो क्या हो गया, खे। इसी तरह से यहाँ है हमारा त व्यंजन, त व्यंजन पे ओ की मात्रा लगानी है हमें, तो क्या बन गया ये, तो। फिर है फ, फ पे हमें ऊ की मात्रा, कौन से, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, तो क्या हो गया, फू। फिर है म, म पे हमने बड़ा आ बना हुआ है, बड़े आ की मात्रा लगानी है, तो क्या हो गया, ये मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से मात्रा हटाकर दिए गए थैले में लिखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है खीर, इसमें से क्या करना है हमें, हमें मात्रा हटानी है और मात्रा हटाने के बाद में लिखना है, तो ये ख पे जो मात्रा लगी हुई है वो हमने हटाई, तो क्या लिखा, ख, र। नाम, नाम में ना पे जो है आ की मात्रा लगी हुई है, ये हमने हटा दी, तो ये क्या बन गया, नम। इसी तरह से नृप लिखा हुआ है, यहाँ पे ऋषि की मात्रा की लगी हुई है, वो हमने हटाई तो क्या बन गया, नप। नेक्स्ट आता है रुपया, रुपया में जो र पे ऊ की मात्रा लगी हुई है वो हम हटाएंगे, और य पे जो मात्रा लगी हुई है उसे भी हटाएंगे, तो ये क्या हो गया, र, प, य। अब आता है तरबूज, तरबूज में जो ब पे ऊ की मात्रा लगी हुई है उसे हम हटा देंगे, तो क्या बन गया, तरबज। नेक्स्ट आता है खरगोश, खरगोश में ग पे ओ की मात्रा लगी हुई है वो हमें हटानी है और वर्ड लिखना है खरगश।
अब आता है राहुल नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाना भूल गया है। अब आप चित्र देखकर उनमें मात्रा लगाइए, यानी कि ये राहुल ने यह वर्ड लिखे हैं और वो इन वर्डों में मात्रा लगाना भूल गया है, हमें उनके मात्रा लगानी है। पिक्चर में हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, पपीता दिखाई दे रहा है। पपीता यानी कि प पे हमें बड़ी की मात्रा लगा दी और त पे हमने आ की मात्रा लगा दी, तो ये बन गया पपीता। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, क्या है ये, चाकू। तो इस च पे हमने बड़े आ की मात्रा लगाई और क पे लगाई बड़े उ की मात्रा, तो ये क्या बन गया, चाकू। नेक्स्ट पिक्चर है गोभी, ग में हमने ओ की मात्रा लगाई, कौन सी ओ की, छोटे ओ की मात्रा लगाई। भ है, भक पे हमने लगाई बड़ी की मात्रा, तो ये क्या बन गया, गोभी। अब ये नेक्स्ट पिक्चर है कृष्ण की, और क के नीचे हमें कौन सी मात्रा लगानी है, ऋषि की मात्रा लगानी है, तो ये वर्ड बन गया कृष्ण। नेक्स्ट आता है सही शब्द पहचान कर दूसरे मटके में लिखिए और गलत शब्दों के सही रूप तीसरे मटके में लिखिए, यानी कि यहाँ पे तीन मटके दिए हुए हैं, एक मटके में शब्द लिखे हुए हैं और दूसरे मटके में हमें सही शब्द लिखने हैं और तीसरे मटके में हमें उसके गलत रूप को लिखना है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं, सबसे पहला वर्ड है ख आ, क्या ख आ कोई शब्द होता है, नहीं होता, तो हमने ये गलत रूप है, हमने गलत वाले मटके में लिख दिया। ल कम, लकम, लकम भी कोई शब्द नहीं होता, ये भी हमने गलत वाले में लिख दिया। अब है आम, आम सही वर्ड है ना, आम का अर्थ भी होता है, तो इसलिए आम क्या आ गया, सही वाले में आ गया। नेक्स्ट है कतूबर, कतूबर, कतूबर का कोई अर्थ होता है, नहीं होता, तो ये शब्द हमारा गलत है, हमने गलत में लिख दिया। अब आता है नेक्स्ट रंगुआ, रंगुआ, रंगुआ का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये गलत हो गया, हमने गलत में लिख दिया। नेक्स्ट है पेंसिल, पेंसिल का अर्थ होता है, पेंसिल सही शब्द है, तो हमने सही वाले में लिख दिया। नेक्स्ट है लड़का, लड़का सही शब्द है, तो हमने सही वाले में लिख दिया। नेक्स्ट वर्ड है डांडो, डांडो का कोई शब्द होता है, नहीं होता, यह गलत शब्द है, तो हमने गलत वाले में लिख दिया, गलत रूप है। गाजर, गाजर सही शब्द है, तो हमने सही में लिख दिया। फिर नेक्स्ट है कार, कार जो है सही शब्द है, तो हमने सही में लिखा। डियाची, डियाची, डियाची का कोई अर्थ नहीं होता, यह गलत रूप है, हमने गलत वाले में लिख दिया। कबंधु, कबंधु का क्या शब्द होगा, कोई शब्द होगा, नहीं, यह गलत है, तो हमने गलत में लिखा। हथौड़ी, हथौड़ी सही शब्द है, हमने सही शब्द वाले में लिख दिया। लीतित, लीतित कोई शब्द है, कोई अर्थ होता है, नहीं होता, तो हमने ये गलत के में लिखा। फिर है त्रिशूल, त्रिशूल सही शब्द है, तो हमने सही में लिखा। र द ब, रदम कोई शब्द है, नहीं, यह शब्द गलत है, हमने गलत में लिख दिया। इसी तरह से हमने सही शब्द सही में लिख दिए जिनका अर्थ होता है, और गलत शब्द जिनका कोई सही अर्थ नहीं होता, वह गलत वाले में लिख दिया। थैंक यू स्टूडेंट।